Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha Bal Vigyanik Competition इस exam के लिए preparation कर रहे हैं. Standard 6th के लिए लिया हुआ MCQ हम solve करने जा रहे हैं paper 2023 से. इस exam से related, आपकी पढ़ाई से related आपको कुछ doubt हो, कुछ queries हो तो आप मुझे इस WhatsApp number पर contact कर सकते हो. आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड हैपेंस ड्यू टू. ऑप्शंस में है एसिड इन बटर मिल्क, वाटर इन बटर मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बटर मिल्क या फिर सॉल्ट्स इन बटर मिल्क. तो आपने कभी देखा है दूध का दही किस तरीके से लगाया जाता है? मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ. जब हमें दही लगाना होता है तो हम दूध को ल्यूकवॉर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, उबालना नहीं है, उसे जस्ट थोड़ा गर्म करना है और उसमें एक आध चम्मच बटर मिल्क ऐड कर देना है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बटर मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं मिल्क में. आर यू गेटिंग? अब टेम्परेचर की बात. टेम्परेचर हम क्यों ल्यूकवार्म कर रहे हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ऐड करेंगे उनको ग्रो करने के लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा. ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा जब हम ल्यूकवार्म करेंगे ताकि वो उसमें ग्रो हो जाए और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दे. ठीक है, समझ में आया? तो इस वजह से देखो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बटर मिल्क. हम क्या ऐड करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस कराते हैं मिल्क में, विच हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, राइट? अब बटर मिल्क की बात आई, कर्ड की बात आई, तो आपको याद आना चाहिए ये प्रोबायोटिक्स है. हमने पढ़ा है ना प्रोबायोटिक्स के बारे में, सो दिस इज अ प्रोबायोटिक्स. चलिए फिर इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. इसी तरीके से आपके लिए सॉल्व एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ, आप लोग उन्हें देखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.